और इस वक्त बड़ी खबर, भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। जी हां, लगातार अपने बयानों से विवादों में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को आतंकी कहा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार है, भोपाल सीट से वो चुनावी मैदान में है और अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को आतंकी कहा है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह विवादित बयान, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे और अब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को लोकसभा चुनाव में उतारा है भोपाल सीट से। भोपाल लोकसभा सीट को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को आतंकी कहा। आइए हम आपको सुनवाते हैं आखिर ये पूरा बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किस तरह से दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। खुद का व्यवसाय बढ़ाया, खुद की फैक्ट्री बढ़ाई, ये आप लोग स्वयं भोगे हुए हैं। इसलिए अब फिर से ऐसे आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता, और अब फिर से जब होगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है जो इसमें इसके कर्मों का ठीक से परिणाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आजीवन ही नहीं आएगा, और अब जब समापन होगा तो फिर कभी उग नहीं पाएगा। बोलो भारत माता की जय। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 16 साल पहले उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को हराया था, अब वो खुद जो दिग्विजय सिंह है उनको हराने के लिए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और ये विवादित बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि लगातार एक के बाद एक बयान देती जा रही है, इस वक्त उन्होंने दिग्विजय सिंह को आतंकी कह दिया है। तो सीहोर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वहां पर उन्होंने कांग्रेस के भोपाल लोकसभा सीट के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और आतंकी कहा। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह विवादित बयान आपने अभी सुना। उन्होंने कहा है कि आतंकी के समापन के लिए सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है और 16 साल पहले उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को हराया था, अब वो खुद उनके सामने हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज, एक के बाद एक बयान साध्वी का इस वक्त, यहाँ पर तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को आतंकी कह दिया। देखिए, भोपाल में जब से चुनावी नामांकन दाखिल किया साध्वी प्रज्ञा ने, तब से दोनों दलों की ओर से इस प्रकार के बयान आने लगे हैं। दिग्विजय सिंह क्या लगातार फोकस कर रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं कि विकास के एजेंडे पर वो चुनाव लड़ेंगे, 10 साल की उपलब्धियों को भी खंगाला जा रहा है। वहीं साध्वी लगातार इस तरह के, पहले उन्होंने हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे महाराष्ट्र के, उनको लेकर बयान दिया। इसके बाद बाबरी ढांचे के लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, उस ढांचे को मैंने तोड़ा, गुम्बद पे चढ़ी थी, इसका मुझे गर्व है। और उसी कड़ी में उन्होंने फिर राम मंदिर की वकालत की, और आज उससे भी आगे बढ़ती हुई उन्होंने जो कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनको आतंकवादी कह दिया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार जो इस चुनाव को विकास के मुद्दे पे ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी और साध्वी प्रज्ञा इस मुकाबले चुनाव को, भोपाल के चुनाव की अगर बात करें खासतौर से, तो उसको बार बार राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद पर ले जाने की कोशिश कर रही है, और यही कारण है इस प्रकार के विवादित बोल नेताओं के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, इसके साथ ही जिस तरह से आज का ये बयान है, क्या इसे कांग्रेस किस तरह से देख रही है, क्या इसकी शिकायत होगी, क्या कुछ कांग्रेस करेगी?
देखिए निश्चित रूप से अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया आना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो खबरें निकल के आई हैं उससे यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में आज शाम को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर सकता है और साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ शिकायत कर सकता है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर सकता है। बीजेपी भी अब तैयारी में जुट गई है पलटवार की और अपनी जवाब की तैयारी, अपना उन्होंने जवाब पेश करने के लिए वकील लीगल जो सेल है बीजेपी की उसको कह दिया, वो उसकी तैयारी में जुट गई है। बिल्कुल मनोज जी, इसके साथ ही 29 अप्रैल को यहाँ पर पहले चरण का मतदान होगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरह से उससे पहले बयानबाजी ने एक गर्म माहौल कर दिया है और खास करके भोपाल लोकसभा सीट, देखिए लगभग सभी दूर की हम स्थिति की बात करें, आज जीतू पटवारी ने जिस प्रकार का इंदौर में बयान दिया है या कल अजय सिंह राहुल भैया ने जो बयान दिया है रीति पाठक को लेके, फिर साध्वी प्रज्ञा तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये विवादित बयान आया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह को आतंकी कह दिया है।